नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आजकल के ज़माने में हर व्यक्ति ये चाहता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, कि उसकी जो त्वचा है, खास तौर से उसके चेहरे की जो त्वचा है, वो दमकती हुई बनी रहे, उनके चेहरे पर निखार बना रहे, एकदम उसका गोरा सुंदर चेहरा बना रहे, जिस पे बिल्कुल भी दाग धब्बे ना हो, पिंपल्स वगैरह ना हो, और इसके लिए वो बहुत सारी चीज़ें ट्राई करते रहते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट जो है वो बहुत कम मेडिसिन से ही मिल पाता है। चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, हर तरह की मेडिसिन में इस तरह की दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिनसे कि आपके चेहरे को क्लीन किया जा सकता है, और होम्योपैथी और आयुर्वेद में किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो आज मैं आपसे एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करूंगा जो आपके चेहरे को गोरा बनाती है, आपके चेहरे पे यदि कोई दाग धब्बे हो गए हैं, ब्लेमिशेस आ गए हैं, कोई झाइयाँ हो गई हैं, काले ब्राउन इस तरह के स्पॉट्स आ गए हैं, उनको ठीक करती है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स ये देती है। तो इस मेडिसिन के बारे में मेरे क्या विचार हैं ये मैं आपको बताऊंगा, ये मेडिसिन किस तरह से काम करती है ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस मेडिसिन का नाम है दोस्तों बर्बेरिस एक्विफोलियम। होम्योपैथी की ये एक बहुत खास मेडिसिन है। ये मेरे पास बर्बेरिस एक्विफोलियम का भी मदर टिंचर रखा हुआ है, और बर्बेरिस एक्विफोलियम का मदर टिंचर या 1x पोटेंसी ही होम्योपैथी में ज़्यादातर यूज़ की जाती है। इसकी आगे की पोटेंसीज उतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती हैं जितने की डिज़ायरेबल इफेक्ट चाहिए होते हैं। तो ये जो मेडिसिन है दोस्तों, इसका मदर टिंचर ही ज़्यादातर होम्योपैथी में फिजिशियंस यूज़ करते हैं। यदि हम इस मेडिसिन की बात करें तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छी मेडिसिन है स्किन कंडीशंस के लिए, कैटरल कंडीशंस के लिए, यानी कि जिन लोगों को बार बार सर्दी खांसी इस तरह की शिकायत होती है, क्रॉनिक कैटरल कंडीशंस, उसमें भी ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ ही जिन लोगों के शरीर में न्यूट्रिशन की कमी होती है, उन लोगों के ऊपर भी इस मेडिसिन का एक बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये बॉडी की हर ग्लैंड को, हर सेल को, यानी कि हर कोशिका को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने में मदद करती है। इसके अलावा जिन लोगों को सेकेंडरी सिफिलिस है, सिफिलिस यानी कि सुजाक की बीमारी यदि किसी को है, तो उसमें भी इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है और बहुत ही सक्सेसफुल रिजल्ट इसके मिलते हैं। यदि हम इसके हेड के सिम्टम की बात करते हैं तो दोस्तों हमेशा जो पेशेंट होता है इस मेडिसिन का, उसको एक बैंड का सेंसेशन होता है, खास तौर से इस हिस्से में, यानी कि कानों के ऊपर के इस हिस्से में। यहाँ पर पेशेंट को ऐसा लगता है कि उसके सिर में कोई बैंड बंधा हुआ है, कॉन्स्ट्रिक्शन की फीलिंग होती है, ऐसा टाइटनेस जैसी फीलिंग होती है। इसके साथ साथ ही जिन लोगों को पित्त की शिकायत होती है, यानी कि जिनकी जो प्रकृति होती है वो बिलियस होती है, यानी कि उनको पित्त का सीक्रेशन बहुत ज्यादा होता है, उन लोगों को जब सिरदर्द की शिकायत होती है तब भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ ही जिन लोगों को सिर में स्केली एक्जिमा हो जाता है, उन लोगों पे भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा काम करती है। इसके अलावा यदि हम इसके फेस की बात करें तो जिन लोगों को एक्ने की शिकायत है, पिंपल्स की शिकायत है, चेहरे पे पिंपल्स को होने के बाद काले काले धब्बे पड़ जाते हैं और वो आसानी से ठीक नहीं होते, बहुत सारी क्रीम वगैरह एलोपैथी की लगाते रहते हैं, तरह तरह की क्रीमें आती हैं, तो वो सब नुकसान ही पहुंचाती हैं, चेहरे को लाल लाल सा कर देती हैं, कभी डिस्क्वामेशन कर देती हैं, एक्सफोलिएशन कर देती हैं, और फिर पेशेंट जो है वो परेशान होता रहता है। तो जिन लोगों को इस तरह की शिकायत है उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये मेडिसिन जो है वो आपकी त्वचा के रंग को, यानी कि आपके कॉम्प्लेक्शन को गोरा बनाने का काम करती है, आपके कॉम्प्लेक्शन को क्लियर बनाने का काम करती है, आपके चेहरे की जो त्वचा है उसमें निखार लेके आती है बर्बेरिस एक्विफोलियम। यदि हम इसके दूसरे स्किन सिम्टम्स की बात करें तो ये सोराइसिस में, सूखे एक्जिमा में यानी कि ड्राई एक्जिमा में, प्रूराइटिस में और स्काल्प के एक्जिमा में, जैसा कि मैंने अभी आपको हेड में बताया था, तो इन सारी कंडीशंस में बहुत अच्छा काम करती है। ग्लैंडुलर इंड्यूरेशंस किसी को हो रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी को ब्रेस्ट में ट्यूमर हो रहे हैं, फाइब्रोएडिनोमा हो रहे हैं, तो उनकी भी बहुत अच्छी ये एक मेडिसिन है यदि सिम्टम से मैच करती है तो। यदि हम स्किन के अलावा स्टमक के इसके सिम्टम्स की बात करते हैं, माउथ के सिम्टम्स की बात करते हैं, तो इसकी जो जीभ होती है दोस्तों थिकली कोटेड होती है, येलोइश कलर की कोटिंग उसकी जीभ पे पाई जाती है, पीले ब्राउन कलर की कोटिंग उसकी जीभ पे पाई जाती है, बहुत ज्यादा नौशिया होने की यानी कि उल्टी की इच्छा होने की उसको शिकायत होती है, और खाना खाने के कुछ समय बाद उसे दोबारा भूख लगाती है। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं दोस्तों, ये बर्बेरिस एक्विफोलियम के होते हैं।
यदि हम इसके डोज की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि बर्बेरिस एक्विफोलियम का मदर टिंचर और 1x पोटेंसी ही ज्यादा यूज की जाती है, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा मदर टिंचर के यूज करने की। इसके मदर टिंचर को 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर उन लोगों को पीना चाहिए जिन्हें की अपनी त्वचा का रंग गोरा करना है, उनकी त्वचा पे बहुत ज्यादा ब्लेमिशेस हैं, बहुत ज्यादा झाइयां हैं, काले काले धब्बे पड़ गए हैं पिंपल्स के बाद, उन लोगों को इस मेडिसिन का 10-10 बूंद दिन में 3 बार मदर टिंचर का उपयोग आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर करना चाहिए। इसके साथ ही इसके मदर टिंचर को लोकल एप्लीकेशन के रूप में भी यूज करना चाहिए और दुनिया की सभी क्रीम्स से अच्छे ज्यादा ये रिजल्ट आपको देगा। इसके लिए आपको दोस्तों एक छोटी सी कॉटन लेना है यानी कि रुई लेना है, उसमें 20 बूंद मदर टिंचर लेना है और पूरे चेहरे को इस तरह से क्लीन करना है। रात में अपने चेहरे को पहले अच्छे से धो लें गर्म गुनगुने पानी से, उसके बाद चेहरे को अच्छे से सुखा लें और फिर ड्राई करने के बाद इसके मदर टिंचर को कॉटन में ले लें, रुई में ले लें 20 बूंद और पूरे चेहरे पे लगा लें। रात भर लगा रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुबह उठ के चेहरे को साफ कर लीजिए, धो लीजिए, कंटिन्यू इस तरह से पीते भी रहिए और लोकल एप्लीकेशन के रूप में यूज भी करते रहिए। दोनों तरीके से इसका यूज करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही यहां पर मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये मेडिसिन ऐसा नहीं है कि आपने 2-3 महीने यूज कर ली तो उसके बाद आपको जन्म जिंदगी भर के लिए आपकी जो स्किन का जो कलर है वो गोरा होके रह जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं आती, ऐसा कोई मदर टिंचर नहीं आता जो 2-3 महीने लेने के बाद आपकी त्वचा के रंग को हमेशा हमेशा के लिए गोरा बना दे। ये मेडिसिन भी तभी तक काम करती है जब तक कि आप इसको ले रहे हैं या लेने के 1 महीने बाद तक तो आपको उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलता रहेगा, लेकिन उसके बाद ये जरूरी नहीं है कि आपकी त्वचा का रंग या स्किन में कोई टैनिंग हो गई है, सन के कारण चेहरा आपका काला पड़ने लगा है, झाइयां जो आपकी पड़ गई हैं वो दोबारा ना आए, ऐसा जरूरी नहीं है, दोबारा भी आ सकती हैं। तो ये अगर आप हमेशा यूज करते रहें तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन ये मैं आपको यहाँ क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है कि इसको बंद करने के बाद आपके चेहरे का जो कलर है वो वापस पहले जैसा नहीं होगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, आगे के वीडियोज में मैं बात करूंगा आपसे कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।